अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक हैं? आज हम बनाएंगे आलू और बंद गोभी के पराठे, वो भी यूनिक तरीके से। सबसे पहले आलूओं को आपने इस तरह क्यूब्स में काट लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह आलू जल्दी गल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आलू उबल जाएँ जब, उसमें हमने कद्दूकश की हुई बंद गोभी, कद्दूकश किया हुआ प्याज और कद्दूकश की हुई हरी मिर्चें, वो डाल देनी है। हरी मिर्चों को आप मतलब चॉपर में काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने जो भी मसाले ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, इसमें सूरा मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर। सुबह के टाइम नाश्ते में आप जितना कम मसाला कहेंगे ना, उतना ही अच्छा है, मतलब जितना मसाला कम हो, ठीक है। उसके बाद जो काटा हर घर में होता है, सुबह इसी से ही पराठे बनते हैं। आपने सादा सी रोटी बेल के उसमें इसे मेजे को लगा के तो पराठा बना लेना है, जिस तरह मैं अभी वीडियो में बना रही हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि पराठा कैसा बनता है, आप खाएंगे वाह वाह करेंगे। इतना मज़े का ये पराठा बनता है, क्रिस्पी सा टेस्ट आता है बंद गोभी का और बड़े मज़े करते हैं। इसके साथ हम स्पेशल चाय बनाएंगे। चाय वैसे हम जिस तरह हम बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड करूँगी। इसमें मुझे बेसिकली सौंफ वाली चाय अच्छी लगती है, उसका टेस्ट ज़रा मज़े का हो जाता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सादा पीना चाहें, आप जिस तरह की पीना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह की भी चाय पसंद करते हैं, लेकिन सौंफ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मज़े का टेस्ट होता है, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी ये मैं चाय भी बना रही हूँ। एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेसिपी रिकॉर्ड करना किसी भी चीज़ की बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ से रिकॉर्ड करना और दूसरे हाथ से भाई मतलब चीज़ें तैयार करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।